Hey guys, what is up? Welcome back to the channel and welcome back to another vlog. कल वाला vlog live हो चुका है, but यार कल वाले vlog में ना कुछ पंगा हो गया था. पंगा ये हुआ था कि मैं जब अपलोड कर रहा था, एक्चुअली मैंने उसको शेड्यूल अपलोड में डाल दिया था. कल रात को मैंने एक बजे मैंने एडिटिंग वगैरह की करके मैंने, और मतलब मेरे को था कि यार सुबह डालूंगा ब्लॉग. सो मैंने शेड्यूल में जल्दी उसको अपलोड करके शेड्यूल में रख दिया कि सुबह वो अपलोड हो जाए. और गलती से मैंने वो जो एक सेक्शन होता है ना, वेर इट आस्क्स फॉर वेदर इट्स यू नो वीडियो फॉर किड्स और नॉट, तो मैंने उसमें चूज़ कर लिया था इट्स अ वीडियो फॉर किड्स. एंड इससे क्या हुआ दैट सुबह जब मैं तो सो रहा था, सुबह 7 बजे हो गया अपलोड, शेड्यूल अपलोड हो चुका था. एंड मैं उठता हूँ, मैं देखता हूँ यार ना मेरे मम्मी के फ़ोन में यूट्यूब में उसका नोटिफिकेशन आया, ना मेरे पापा के यूट्यूब में उसका नोटिफिकेशन आया, कुछ जस्ट लाइक पता नहीं यार क्यों नहीं आया, मतलब मुझे कुछ खास समझ नहीं आया व्हाट वाज द रीज़न. उसके बाद वन ऑफ माय फ्रेंड्स टोल्ड मी कि यार कमेंट सेक्शन कौन ऑफ करके रखता है अपने व्लॉग में. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि यार ये पूरा पंगा यही हुआ है कि मैंने उसको एक यू नो चिल्ड्रन चाइल्ड वीडियो बना के अपलोड कर दिया. सो इमीडिएटली मैंने उसको हटाया उस ऑप्शन से, बट आई डोंट नो वेदर पीपल विल स्टिल गेट द नोटिफिकेशन ऑन नॉट. आई होप दे टू, बिकॉज हर एक वीडियो में मेहनत लगती है यार, हर एक वीडियो वी वॉन्ट पीपल टू वॉच. लाइक डिसलाइक अलग बात है, मे बी यू लाइक और मे बी यू वोंट. अभी बज रहे 10:22 सुबह के, ब्रेकफास्ट भी नहीं है, ब्रंच भी नहीं है, पता नहीं क्या है ये, जो भी है बट कुछ बनाया मम्मी ने, इवन आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट इट स्मेल्स टेस्टी. ये कुछ इनका रेसिपी इन्होंने यूट्यूब से देखा है और ये कह रहे हैं कि कुछ है, बहुत बढ़िया है ये चीज़, तो खा के टेस्ट करके देखते हैं कैसा है. टेस्टी तो वैसे स्मेल से लग रहा है कि बहुत टेस्टी होने वाला. आज के प्लान की बात कर रहे थे, कल मैंने बोला था वील प्लान समथिंग फॉर टुडे. सो व्हाट वी आर प्लानिंग इज लंच के बाद मी अनकाश विल गो टू अ प्लेस. He's saying it's a very beautiful place and must time, you know, spend करने के लिए. It's a nice place. We can chill, we can have a, you know, मतलब अच्छा, you can click good pictures over there and must scenic beauty है वहाँ पे. And मतलब एक resort type है, said even I exactly what it is even I don't know. So अगर बेकार जगह निकले and I still post this vlog, then मेरे को मत करियाना, you know whom to. अगर उसका प्रोफाइल लिंक चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसके प्रोफाइल में जाके जितनी गालियाँ देना हो दे देना. बट आई होप इट्स अ नाइस प्लेस बिकॉज जितनी मैंने पिक्चर्स देखी है, आई थिंक इट्स अ गुड प्लेस एंड इट विल बी अ गुड वीकेंड. बाय 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 बाय. गाली वाली देना हो, जो करना हो कर लेना, क्योंकि ये लेके जा रहे हैं, मुझे नहीं पता है कौन सी जगह है. ज़्यादा क्या कोई भी, मेरे को यहाँ की कोई जगह ही नहीं पता एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट. करेक्ट टाइम पे आए हम लोग, डीसी का बंगला. तो दिखाता हूँ, लेट मी टर्न ऑन द कैमरा. नहीं गिरा अभी, अगर गिर गया कैमरा क्या होगा अभी. नहीं, लोग दिक्कत गिरने का नहीं है, बताइए क्या है, यहाँ गिरने से अगर वहाँ तक पहुँच गया फिर तो लोग है वहाँ पे, वो बचा लेगा, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, यही दिक्कत है. गिरना पड़ेगा,
Beautiful view, beautiful. बेसिकली इट्स लाइक अ व्यू पॉइंट. यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह है. वहाँ पे देयर वाज लाइक अ स्टारबक्स ओवर देयर, देयर इज समथिंग एल्स हियर. तो आप आओ मज़े करो. या यू नो देयर आर सम गेम्स, चेस एंड ऑल, सो यू गाइस कैन प्ले द गेम्स, एंजॉय विद योर फैमिली, एंजॉय विद योर फ्रेंड्स, चिल करो. और बहुत ही पीसफुल जगह है यार. इट्स जस्ट आपके ब्रह्मपुत्र रिवर के जस्ट बगल में ही है. देयर यू कैन सी इज द ब्रह्मपुत्र एंड इसके जस्ट बगल में ये चीज़ है. मास्क क्यों नहीं उतार रहा? शर्मा रही क्या मास्क उतारने में? कहाँ आ गया वही सोच रहा हूँ. अभी यार शादी होने वाला है. वो देख उधर को लिखा है सैम एंड पोंकी. अभी किसी की शादी क्रैश कर रहे हैं क्या हम लोग? हो क्या रही है? खाना का है वो मेन. Crazy vintage cameras. तब ना ही तुम्हारे DSLR थे, ना ही तुम्हारे क्या कहते हैं इसको mirrorless cameras थे. These were the OGs. See Kodak, all of them are like proper branded one. Kodak. I saw one. दिस वॉज द मीटिंग रूम ऑफ DC मोस्ट प्रोबेबली. यही उसके डिसीजन्स बनते थे. और ये रिसेंटली बना है यार, ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है. सो इट हैज़ लाइव मेमोरीज. सो मोस्ट प्रोबेबली यही हाई एंड मीटिंग्स वगैरह होती थी, जो भी होना होता था, जो भी लोग आते थे. एंड दिस इज़ द हॉल.
कंटेंट दो। अच्छा जगह है, छोटा जगह है लेकिन बहुत अच्छा जगह है। म्यूजियम कैसा लगा? अभी म्यूजियम तो मेरे को म्यूजियम लगा नहीं, म्यूजियम नहीं है वो, एक्चुअली वो पुराना घर टाइप का वो लग रहा है। आर्किटेक्चर दिखाया है कैसा था क्या नहीं, और रिसेंटली तो बना है ना इसको, दो साल हुआ होगा एक्चुअली। है पुराना पार्क बनाए, 2 साल हो गया होगा यहाँ का। मतलब इवन फर्नीचर वगैरह भी ये सब नया ही है, उतना कुछ ऐसा एंटीक सा नहीं है, बट ये बिल्डिंग एंटीक है, बिल्डिंग बहुत पुराना है। बिल्डिंग इज रियली एंटीक, जो आपका लकड़ी वकड़ी वाला होता है ना, लकड़ियों से बना होता है एंड ऑल दोस थिंग। बस इट्स अ रियली नाइस प्लेस टू बी ऑनेस्ट, बहुत मस्त टाइम पास की जगह है। ओह शिट, अभी गिरने वाला था, और वहाँ जो स्टारबक्स है अगर वो खुल गया तो इट विल बी अगेन अ इवन बेटर प्लेस, क्योंकि वह बहुत मस्त सीटिंग अरेंजमेंट है नियर स्टारबक्स। मस्त, यू कैन ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स, गर्ल फ्रेंड्स, बॉय फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव एनी, ब्रिंग देम, हैव सम फन, टाइम स्पेंड करो, क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, और इट्स रियली गुड गुड प्लेस। एक तो मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है ये स्पीकर का क्या है, इन्होंने जगह जगह पर स्पीकर लगाया हुआ है जो कि ऐसा जेट वाला साउंड मार रहा है अचानक। आई शो यू वन ऑफ द स्पीकर, इनका क्या कंसेप्ट है मेरे को अभी तक नहीं समझ आया। लोग ऊपर देख, कंसेप्ट वही होगा शायद, उधर जो नाव है, नाव पानी में चल रहा है, तो नाव पानी में चलने से ऐसा जेट की आवाज़ आती है। अरे सुनना, ध्यान से सुनना, और टेल मी वेदर इट्स पानी का आवाज़, जेट का आवाज़, किसका आवाज़, भगवान जाने क्या है, बट है कुछ ना कुछ। हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे जो शूटिंग होने वाला है, सो वी वांट टू सी एटलीस्ट शुरू का कुछ तो देखे कैसे हो रहा है, लेकिन तब से वेट कर रहे हैं यार, कुछ नहीं शुरू कर रहा। अभी फाड़ दिया क्या? नहीं हो जाएगा, फिल्टर चेंज कर रहा। अच्छा, फिल्टर चेंज कर, मुझे लगा लाइट फाड़ दिया गुस्से के मारे। नहीं करना मेरे को शूटिंग, बाढ़ में जाते हम लोग, शुरू ही नहीं करते। डायरेक्टर कौन है शादी का सीन है? डायरेक्ट अबे वो टकला डायरेक्टर होगा, वो देख, वो देखा, वो टकला जो है वही डायरेक्टर है। शादी का सीन है वैसे, ये मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो कुछ लिखा हुआ है ना, सैम एंड पंखी। म्यूजिक तो ऑन हो गया है, और ये जो देख रहे हो ये वही कैमरा के लिए है, और ये हमारे आकाश बाबू देखना चाहते हैं कि ये कैसे हैंडल होता है इसमें। यार ये बहुत मेहनत करते हैं हम लोग तो ब्लॉग बनाने के लिए, बस कैमरा उठा के चल दिया, हम उठा के ये लोग एक एक सीन के लिए कितनी मेहनत करते हैं। और यही मेरे ख्याल से, लेट मी सी, ये बंदा मेरे ख्याल से इनका डायरेक्टर है, ये टकला वाला, शेरवानी वाला बंदा पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, यही मेरे ख्याल से इसी की शादी होने वाली है, और इसकी बीवी तो इधर मेहंदी वेंदी हो रहा है। ट्रेन भी लग गया। सैम को देखने से लग रहा है सैम का पक्का सरकारी नौकरी होगा, वरना ऐसी लड़की नहीं मिलने वाली। सैम बहुत पैसा वाला है, अबे वो मेकअप आर्टिस्ट तेरे को ही देख क्या तो खड़ा हूँ मैं। अबे सनसेट देख कितना प्यारा है। आई एम बैक होम। आज बहुत मज़े किए, बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत ही बेहतरीन जगह था वो।
So let's end this video here. Let's end this vlog. So if you like this vlog, if you like my video, please share, like, and subscribe. Thank you very much for watching the video till here, and see you soon. Bye-bye.